वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन जरा सोच कर देखिए, ताजमहल पर विवाद, जो विवाद की जो कहानी है, जो देखिए और समझिए इस बात को कि वाराणसी ज्ञानव्यापी विवाद, वाराणसी में ज्ञानव्यापी विवाद, अजमेर शरीफ में दरगाह में मंदिर का दावा, आगरा में ताजमहल का विवाद, दिल्ली में कुतुब मीनार का विवाद, और इसके बाद मंगलुरु में मस्जिद में मंदिर होने का दावा, मथुरा में जन्मभूमि ईदगाह वाराणसी, और फिर उसके बाद सवाल क्या खड़े होते हैं, शिवलिंग या फुवारा, मथुरा जन्मभूमि या ईदगाह, आगरा ताजमहल या तेजो महल, मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस लगता है। तो मैं मिश्रा जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो मैंने पढ़ा वो आपने भी सुना होगा, और इस बात को मैं समझना चाह रहा हूं मिश्रा जी आपसे, ये तो गजब की स्थिति है। क्या ये वाकई में मंदिर मस्जिद का जो शोर है चारों ओर, चारों ओर सुनाई दे रहा है, क्या ये 2024 की तैयारी लगती है आपको कि नहीं? शाला जी, एक तो आपको धन्यवाद, किसी और चैनल ने किया हो या इवन राजनीतिक पार्टियों ने भी 2024 की तैयारी की घोषणा नहीं की है, लेकिन चैनल पे आप प्रथम आदमी हैं जिन्होंने 2024 की तैयारी की घोषणा, डिबेट की तैयारी की घोषणा तो कर दी है। और तो इसी में और बहुत सरहद पे तनाव है, देश में चुनाव है, ये कभी सुना नहीं आपने? नहीं देखिए, तनाव तो अगर आप सरहद में देखेंगे तो लगभग 1400 सालों से 1500 सालों से है। भारत के इतिहास को आप देख लीजिए, कोई सदी ऐसी नहीं गई होगी, कोई दशक ऐसा नहीं गया होगा जब भारत के सरहद पे तनाव न रहा हो, छिटपुट रहा हो या बढ़े रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डेफिनेटली जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं और इतने बड़े बड़े मुद्दे बन रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये चुनावी मुद्दा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ना बन जाए। इसके पहले भी राम मंदिर अगर चुनाव का मुद्दा बना था, और भी बहुत सारे चुनाव के मुद्दे बने थे, और पक्ष ने और विपक्ष ने भी बहुत सारे चुनाव के मुद्दे बनाए थे। पहले अयोध्या, अब ज्ञानव्यापी, आपको नहीं लगता कि कुछ कुछ मिलता जुलता है? मिलता जुलता बिल्कुल है, मैं कहां बोल रहा हूं, अभी तो नंबर जो है मेरे ख्याल से कुछ, कोई आज मैं देख रहा था कि 40,000 मंदिरों की लिस्ट तैयार है जो है, तो मुद्दे तो सब सनातन और हिंदू से ही रिलेटेड हैं। ये सही है कि गलत है, डिबेट हो सकती है उसपे, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि देखिए दौर दौर की बात है। किसी दौर में एक दौर वो भी था जब मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाए जा रहे थे, अब दौर एक ऐसा आया है जब मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। हम ये तो नहीं बोलते हैं कि मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन मंदिरों का जीर्णोद्धार जरूर किया जा रहा है, और 80% जनसंख्या जहाँ पे बहुसंख्यक हो, तो हर आदमी को बहुसंख्यक जनसंख्या की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, पहली चीज। और ये केवल अपने देश का हालत नहीं है, आप पाकिस्तान में जाके देखिए, टर्की में देखिए, हागिया सोफिया को उन्होंने मस्जिद बना दिया, देश के विदेश के विभिन्न हिस्सों में देखिए। मेरे कहने का मतलब जो धर्म है ना, तो यानी कुल मिलाकर ये है कि देश में बस हिंदू मुसलमान ही मुद्दा है, मैं आपकी बात समझ गया। नहीं बस हिंदू मुसलमान, ये मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है। अच्छा। ये मुद्दा अपने हजारों साल के गौरव से जुड़ा। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए, अगर हिंदू मुसलमान ये मुद्दा होता, या अगर अपने देश के गौरव से नहीं जुड़ा होता, तो ठीक है, मुसलमान लोग सारे मस्जिद और इन सब चीजों को खाली कर दें, उनको ऐसा कौन सा चीज है कि उससे बांध के रख रहा है, क्या मैग्नेटिज्म उसमें है? है तो वो बिल्डिंग ही, दूसरी जगह ले लो उससे डबल भव्य इमारत। यानी सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनाना है, धार्मिक स्थलों को बनाना है सरकार का काम? नहीं, सरकार का काम नहीं, सरकार धार्मिक स्थल नहीं बनाती है। सरकार जो है अपने पास्ट ग्लोरी को, पास्ट प्राइड को रिनोवेट कर रही है, जीर्णोद्धार इसको आप बोलिए। आप ये देखिए, सोमनाथ के मंदिर का भी तो जीर्णोद्धार हुआ था, तो अब आप क्या बोलेंगे वो गलत था? सरकार किसी की भी रही हो, किसी भी नेता ने करवाया हो, लेकिन पुराने बिल्डिंगों का, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, देखिए है क्या, घर मैंने बनाया, मेरे बाप दादाओं ने बनाया, आप आए हमारी गर्दन पे तलवार रख करके तो आपने नेम प्लेट बदल दी, ओके, वो घर आपका हो गया, न्याय अच्छा, मिलना तो यानी आप ये कह रहे हैं, यानी आप मुझे ये समझा रहे हैं मिश्रा जी गुस्सा नहीं, मैं आईएएस पूछ रहा हूँ आपसे, यानी आप मुझे ये समझा रहे हैं, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि पत्रकारिता धर्म बोला जाता है, तो क्या जो हमारे तथाकथित पत्रकार हैं वो इस वक्त धर्म के रक्षक बन गए हैं,
तो इसे आप इसे जायज कहते हैं, क्योंकि हमारा पत्रकारिता धर्म कुछ और सिखाता है। और जो वो आजकल चल रहा है कि इससे लड़ा दो, उससे टकरा दो, उससे भिड़वा दो, और वो सब कुछ जो चल रहा है जो आप समझ रहे हैं, तो वो धर्म के रक्षक है सारे, है ना? नहीं नहीं, कोई धर्म का रक्षक नहीं है, यहाँ कोई टकराहट नहीं है, ना हिंदू में ना मुसलमान में। सिर्फ जो है ये अच्छा, है दिखाया जाता है, दो आदमी एक प्रॉपर्टी के लिए दो आदमी क्लेम कर रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से उसकी जांच होगी, ये प्रॉपर्टी क्या है, दैट्स ऑल सिंपल। ये तो अब पता नहीं, देखिए या तो मैं पत्रकारिता के धर्म को डिफाइन करूं, मैं बोलता हूं पत्रकार ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई अगर विवाद है चलो जांच करा लो, 40,000 हो या 40,00,000 हो जांच करा लो। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान ही मुद्दा है पूरे देश में, तो फिर तो ठीक है जैसे आप मुझे समझा रहे हैं। ये कहां आप देखिए, ये बात हिंदू मुसलमान मुद्दे की नहीं है, मैं ये बोलता हूँ कोई एक बहुत प्राचीन भग्नावशेष पड़ा हुआ है, 5,000, 2,000, 1,500 साल पुराना पड़ा हुआ तो है, एकाएक ये लिस्ट, सामने क्यों आई, एकाएक ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट जो है वो एकाएक सामने क्यों आई? नहीं देखिए, अब इस चीज का तो ये तो टाइम ट्रेवल का आपका क्वेश्चन हो गया कि इस टाइम पे क्यों हुआ। अच्छा मैं बोलता हूँ यही चीज अगर 1500 साल पहले नहीं हुई होती तो ये लिस्ट ही नहीं आती। या सोमनाथ का मंदिर जब वो उसका जीर्णोद्धार हुआ तो उस वक्त। अच्छा मुझे एक बात, चलते चलते, अच्छा मैं क्योंकि कुणाल कोहली भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये जो मैंने लिस्ट पढ़ी थी, जैसे वाराणसी में ज्ञान व्यापी विवाद, अजमेर शरीफ में दरगाह में मंदिर का दावा, आगरा में ताजमहल या तेजो महल, दिल्ली में कुतुब मीनार, मंगलुरु में मस्जिद का दावा, मथुरा में जन्मभूमि, ईदगाह, और ये तमाम ऐसे दावे और वादे, आपको क्या लगता है लेटेस्ट कौन सा आने वाला है? मिश्रा जी देखिए मैं बताऊं, ये तो नेशनल लिस्ट है, इंटरनेशनल लिस्ट की तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, और मैं पहला व्यक्ति हूँ, मेरे पास इंटरनेशनल लिस्ट पड़ी हुई है। हाँ, आप ये देखिए, अच्छा अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ, मैं वही कहूँ मिश्रा जी मैं वही कहूँ, अच्छा वो पाणिनि का आश्रम, आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात छीन ली, मैं कुणाल कोहली के पास जा रहा हूँ, थोड़ा सा मूड हल्का कर देता हूँ। मैंने शुरू में बहुत भयानक खबरें सुना दी दर्शकों को, थोड़ा मूड हल्का कर देता हूँ। आपने वही वाली बात कर दी, वीरेंद्र प्रजापति, भार्गव जी, कुणाल जी, मिश्रा जी ने ये वो वाली बात कर दी कि मेरे पड़ोसी ने जो मुझसे कहा, कल मेरे पड़ोसी ने कहा कि भाई मुझे भी टीवी पर आना है, मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम एक लिस्ट निकालो और बोलो कि मुझे यहां खुदाई करवानी है, उठा के लेकर जाएंगे चैनल वाले, तुम्हें उठाकर लेकर जाएंगे और प्राइम टाइम में बिठाएंगे, और बुकिंग होगी तुम्हारी, रोज बुकिंग हो जाएगी 4 से 5 दिन तक पक्का। बस इतना बोल दो कि मुझे यह संदेह है कि यहां पर खुदाई करवाओ, यहां पर कुछ ना कुछ निकलेगा। मैंने कहा पक्का तुझे 10 से 15 दिन तक बुक कर लेंगे और उठा के ले जाएंगे घर से, बकायदा खाना भी खिलाएंगे, सब कुछ, पेट्रोल पानी का भी खर्चा होगा, वो सब कुछ मिलेगा। तो मिश्रा जी आप मुझे वही समझा रहे हैं, आप उसकी समझ में आ जाएगा। तो खुदाई कराने में डर किस चीज का है? मुझे नहीं मिश्रा जी, इतने सारे बुलडोजर पड़े हुए हैं, होनी चाहिए डर क्यों लग रहा है? मुझे तो ये डर है कि मेरे साथी हैं तथा कथित पत्रकार वही फावड़ा और कस्सी लेकर ना पहुंच जाए। नहीं नहीं, मैं बहुत साफ और पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं खुदाई से डर किस चीज का है भाई? ओके मिश्रा जी, कंटिन्यू, आप ईमान वाले हैं मिश्रा जी, सत्य की, मिश्रा जी कंटिन्यू करेंगे, यही पत्रकारिता का धर्म है, तो सत्य सामने आने दीजिए। जी जी जी, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। एक आया आज भी आया है, दिखाऊंगा अभी, रुकिए, बड़ा जबरदस्त आया है। और फिर वो उससे पूछना जो बैठ कर अफीम ची चरसी बोलता है लोगों को, है, दिखाऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं सत्ता का गुलाम नहीं हूं। मिश्रा जी जो सत्ता के गुलाम है, जिनकी कलम बिक चुकी है, तिलक चावला की कलम नहीं खरीद पाए। अरे हम आपको कहां चैलेंज कर रहे हैं, मैं किसी पत्रकार को, किसी भी प्रवक्ता को कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं। उन्हीं को कहिए जो रोज बैठकर हिंदू मुसलमान करते हैं। एक मिनट प्लीज, एके मिश्रा, ये वाकई देश में बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा नहीं है? चावला जी, अनइंटरप्टेड और सारे साथियों से मेरा अनुरोध है कि मत बोलिएगा, हम इसमें किसी का पक्षपात नहीं करेंगे। चावला जी, आज देश में जो मुद्दा उठाया जा रहा है आलू, नींबू और प्याज का, महाराणा प्रताप के पास भी यही मुद्दा था, और उनके पास ऑप्शन थे कि वो नींबू और प्याज चुन लेते या घास की रोटी चुन लेते। शिवाजी महाराज के पास भी यही ऑप्शन था कि वो नींबू और प्याज चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं चुना। और रही बात जो इन सब चीजों की बातें हो रही है ना, ये फ्री का, 11वीं शताब्दी से तो हम फ्री में देते जा रहे हैं। मैं बात हिंदुओं की करूं,
जो आया लूट के लेते, 54 ट्रिलियन US डॉलर यहाँ से हम लोगों ने दिया है जो लूट के लेके गए हैं। ऊंटों पे भर भर के यहाँ से चावल जाते थे मक्का मदीना के लिए, वो किसी के बाप की कमाई थी, वो हिंदुस्तान की कमाई थी। अच्छा, और उसके बाद हम जजिया देते ये जो सुन लीजिए, ये जो करोड़ों रुपए एनपीए एनपीए घोषित हो गया, हम हजारों जो घोटाले करके देश छोड़कर भाग गए जिनसे काला धन लाना था, मिश्रा जी गुस्सा नहीं, ये फ्री में खिलाने की जो सवाल है वो नया रूप है। सवाल सुन लीजिए, आज भी जजिया हिंदुओं से लिया जा रहा है सर, और बात करते तो भाई जिसको हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, शिवाजी के हैं सर, सुनिए, हमें अगर राष्ट्र चुनना है और नींबू प्याज चुनना है तो आप नींबू और प्याज चुनिए और फ्री में खिलाइए। मिश्रा जी हम फ्री में खिला रहे हैं, एक मिनट, एक मिश्रा जी, एक सेकंड मिश्रा जी, इतने क्रोधित हो रहे हैं, एक सेकंड रुकिए तो सही, सारे मंदिरों से मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, ये जजिया का मॉडर्न जजिया है, मिश्रा जी मॉडर्न जजिया है, सारे मंदिरों का दान 70, केरला में जाके देखिए हर हफ्ते सुबह होगी कि नहीं, सूरज निकलेगा कि नहीं, वहाँ सरकार के आदमी पहुंच जाते हैं मंदिर के दान पात्र को टटोलने के लिए, और शर्म भी नहीं आती है। ये मॉडर्न जजिया है, मॉडर्न मॉडर्न जजिया है, 80% यहाँ टैक्स देगा और 20% क्या किया जाना चाहिए मंदिर में, पैसा आता क्या किया जाना चाहिए, जो बैठ के मंदिर में पैसा आता है उसका क्या किया जाना चाहिए, मस्जिद में जो पैसा आता है क्या मंदिर होता है, में जो पैसा आता है सब क्या किया जाता है बताएंगे, किसको देते हैं केजरीवाल, महीने की तनख्वाह किसकी बढ़ाते हैं, देश में है नहीं, नहीं, अगर मस्जिद में जो पैसा आता है उसका क्या होता है बताइए, मंदिरों में पैसा आता है, नहीं नहीं मस्जिद में जो पैसा आता है जो होता है वही मंदिरों में पैसा आता है क्या, मंदिरों के मुताबिक मस्जिदों में पैसा आता है, कुछ भी हो सर मंदिर में आता है, हिंदुओं के हक पे आपका हक नहीं है, सवाल मिश्रा जी काफी है, मिश्रा जी काफी है, और बेशर्मों की ओके ओके माहौल 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 हिंदुओं के मंदिर में जो पैसा आता है हिंदुओं का हक है, सबका ऑडियो नीचे करिए, सबका ऑडियो नीचे करिए, आदमी बोलते रहे तो वहां कितना आता है यहां कितना आता है, हमारे पास ज्यादा आता है हमारी ज्यादा आता है, आप लूट लेंगे हमको, एक मिनट एक मिनट एक 1400 साल से हम ही मुगल हैं, आप भी हमको लूट रहे हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट सारे गुस्से में मत आइए, मूड हल्का कर देता हूं अभी, एक कमेंट आया पढ़ देता हूं, प्लीज मिश्रा जी प्लीज प्लीज प्लीज, एक कंफ्यूजन हो रही है दर्शकों को, मैंने नाम नहीं लिखा हुआ, प्लीज कंफ्यूजन हो रही है, एक सेकंड कोहली जी, ये कंफ्यूजन हो रही है, एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो किसी के बाप का पैसा था जो लूट के ले गए, लूट के तो वो भी ले गए जिनको कहा था कि काले धन से पैसा वापिस लेकर आएंगे, 2014 में सबसे पहला फैसला था काला धन, SIT गठित हुई थी, रुक जाइए मिश्रा जी गुस्सा नहीं होते, सुन लीजिए आप सुन लीजिए, 2014 का सबसे पहला फैसला था, याद दिला रहा हूं एक सेकंड, वो भी एनपीए जो पैसा लेकर भाग गए वो भी आपका और हमारा ही पैसा था, है ना, देश का पैसा था, वो किसी के बाप का पैसा नहीं था जो आप मुझे समझा रहे थे। अब दूसरी बात, ये अभी कमेंट आया कि कंफ्यूजन दूर करिए कि कुणाल कोहली या फिर AK मिश्रा दोनों में से बीजेपी का नेता कौन है, मैं क्लियर कर देता हूं, एक सेकंड मिश्रा जी प्लीज क्लियर करने दीजिए, AK मिश्रा राजनीतिक विशेषक हैं और कुणाल कोहली जी बीजेपी के नेता हैं, हाँ ओके हो गया।